पिछले 20 साल में क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ, ना अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बने, ना अच्छे शिक्षा के केंद्र बने, ना युवाओं को रोजगार मिला। और सबसे बड़ी समस्या आप जनता से पूछे जाके, क्या उनने रांझी क्षेत्र में जो 20 साल से एक अस्पताल था रांझी अस्पताल, उसका क्या विस्तारीकरण किया, उसका क्या अच्छी व्यवस्था की। देखिए, ये जो अवसरवादी लोग होते हैं वो इधर उधर होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता समझ रही है। 2018 में मध्य प्रदेश में जनता ने चुनी थी कांग्रेस की सरकार, और भाजपा ने पैसों की दम पे उसे खरीदी है सरकार, इसलिए जनता आक्रोशित है और जनता निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत से 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी। सर, स्वागत है आपका। किस प्रकार से इस चुनाव को देख रहे हैं? पिछले 20 साल में क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ, ना अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बने, ना अच्छे शिक्षा के केंद्र बने, ना युवाओं को रोजगार मिला। और सबसे बड़ी समस्या है पानी की, ये सारी हमारी प्राथमिकता रहेंगी अगर मैं विधायक बनता हूँ। यहाँ पे इन क्षेत्रों में कैंट विधानसभा के कैंट छावनी में 12 साल जैसे काम की, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार और पानी के लिए उसी तरह कैंट विधानसभा रांझी आधारताल तिलहरी बिलहरी क्षेत्रों में भी लगातार, जैसे यहाँ पे बीजेपी जीतती आई है, हमारे यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनके ये तो जनता बताएगी आपको। आप जनता से पूछिए जाके, क्या उनने रांझी क्षेत्र में जो 20 साल से एक अस्पताल था रांझी अस्पताल, उसका क्या विस्तारीकरण किया, उसका क्या अच्छी व्यवस्था की, क्या वहाँ के बेड बढ़वाए, वहाँ पे क्या ICU खुलवाया, वहाँ के जो शिक्षा केंद्र है वहाँ की क्या स्थिति देखिए, वहाँ जो पानी की समस्या, मानेगांव मोहन पर्यटन किलोमीटर दूर है लेकिन 30 साल में रोहाणी परिवार वहाँ पे लोगों को पानी नहीं दे पाया, आधार ताल में शमशान घाट नहीं बन पाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से क्या पार्टी का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो अवसरवादी लोग होते हैं वो इधर उधर होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता समझ रही है। 2018 में मध्य प्रदेश में जनता ने चुनी थी कांग्रेस की सरकार, और भाजपा ने पैसों की दम पे उसे खरीदी है सरकार, इसलिए जनता आक्रोशित है और जनता निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत से 2023 में कांग्रेस की सरकार बने। क्या लगता है सर, इस बार कांग्रेस कितने सीट जीतने जा रही है विधानसभा? लगभग 150 से ऊपर सीट जीतने जा रही है कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, इस बार कितना चुनाव? कांग्रेस जिंदाबाद। इस बार कैंट से विधायक चिंटू चौकसे जी होंगे, क्योंकि 30 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल हो जाता है, इनके कार्यकाल में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था। इस बार कैंट विधानसभा की माताएं और बहनें और नौजवान बदलाव चाहते हैं। इस बार जनता बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ रही है। इस बार कितने सीट लाएगी कांग्रेस? 150 के पार करेगी और कमलनाथ सरकार बनेगी। इंडिया के जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, मतलब बिल्कुल उससे ज्यादा, तो मतलब जाने से ही अच्छा उसके लिए। अच्छा, मतलब चलेगा ये ज्यादा अच्छा, कहते तो पार्टी हार जाती, वो पार्टी हार जाती है हमारी। और भी नुकसान होगा। शिवराज सिंह तो क्या, आज दिन कितने घोटाले किए उन्होंने, देखिए तो 250 से ऊपर घोटाले हैं हमारे पास, लिस्ट है उसकी, ऑलरेडी प्रूफ भी है हमारे पास, उसका प्रमाण है। लगातार अशोक रोहाणी जी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, कैसा कार्यकाल उनका? यदि कार्यकाल होता तो ये आज इतने सारे लोग रोड पे नजर नहीं आते। इस बार कितने सीट ला रही है? हाँ जी, कांग्रेस कितने सीट जीत रही है इस बार विधानसभा? विधानसभा में सरकार बना रहे हैं हम पूर्ण बहुमत से। कमलनाथ सरकार बनेगी? इस बार कमलनाथ की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से।